वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं मनीषा प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डीए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है, आप यूं कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के इंट्रैक्शन से जो बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। आपको इस तरह से इकोसिस्टम विजिबल होता है। इकोसिस्टम के अंदर हम यूं कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंट्रैक्ट करते हैं और उस इंट्रैक्शन के बाद बनने वाले कंप्लीट कंपोनेंट को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है एबायोटिक, और आप कह सकते हैं दूसरे का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली हमारा इकोसिस्टम है, देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, या मैं कहूँ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी कंपोजिशन स्टार्ट होती है सेल से। किससे स्टार्ट होती है? सेल से। तो देखिए, हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बना है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन्स बनाते हैं। ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। और जब सारे बॉडी के सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है बॉडी। और बॉडी जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी आपस में कंबाइन होती और बनाती पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जो है वो मिलकर बनाती कम्युनिटी, और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लिविंग कंपोनेंट होते हैं और बहुत सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, और ये दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी करते हैं? इकोसिस्टम। तो आप यूं कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के म्यूचुअल इंट्रैक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। इस तरह से आपको इकोसिस्टम विजिबल होता है। सबसे आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर आप कह सकते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे आपके हार्ट, किडनी, लंग्स। जब सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो पर्टिकुलर एक सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आते हैं। इसी तरह से जब पूरा सिस्टम आपस में मिलता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सीलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ऑर्गेनिज्म के अंदर आप इसे बॉडी भी बोलते हैं, और ये सारे ऑर्गेनिज्म आपस में इंट्रैक्ट करते हैं और क्या बनता है? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक चीजें इंट्रैक्ट करती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, और ये सब मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलकर बनाती इकोसिस्टम। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो सेल होती है, और सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट क्या होती है? इकोसिस्टम, जिसके अंदर वो एक्टिविटी करता है। ठीक है, दिस इज द इकोसिस्टम। तो मैं शॉर्ट में यूं कह सकती हूं, इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देन आता है बेटा कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन कंपोनेंट को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट को आप बोलते हो एबायोटिक कंपोनेंट। इसको आप हिंदी में बायोटिक कंपोनेंट को आप बोलते हैं जैविक। दिस इज द जैविक कंपोनेंट। और इसको हम बोलते हैं अजैविक। कभी कभी एग्जाम में इसको हम नॉन लिविंग पार्ट भी बोलते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट को आप लिविंग पार्ट भी बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक कंपोनेंट का नाम होता है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट का नाम होता है एबायोटिक
कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है कि इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे बायोटिक को या जैविक को इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। अब बात आती है कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए बेटा बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर। दिस इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। ऐसे प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आता है बेटा कंज्यूमर, जिसको आप उपभोक्ता बोलते हैं। इसका मतलब होता है दीज ऑर्गेनिज्म टू डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कंज्यूमर। इसको भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आप कहते हैं हर्बीवोरस, दूसरा आप कहते हैं कार्निवोरस, थर्ड आप कहते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले जो है लिविंग पार्ट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर आते हैं, देन कंज्यूमर आते हैं, और थर्ड आते हैं बेटा डीकंपोजर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है, आपसे कह दे कौन सा इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट नहीं है, आपको फर्स्ट ऑप्शन देता है प्रोड्यूसर, सेकंड देता है कंज्यूमर, और थर्ड देता है डीकंपोजर, तो आप कहेंगे तीनों इकोसिस्टम के लिविंग पार्ट हैं, इसके अलावा कोई भी आता है वो इकोसिस्टम का नॉन लिविंग पार्ट है। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी आपने इस बात को समझा कि इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले प्रोड्यूसर, जिसमें ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं, सम बैक्टीरिया आते हैं, कुछ एल्गी भी ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, एल्गी भी करते हैं, और मोस्टली प्लांट्स करते हैं, तो ये सब किसका एग्जांपल है, प्रोड्यूसर का एग्जांपल है। कैसे करते हैं या मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आता है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर अपना फूड प्रिपेयर तो नहीं करते, लेकिन अपने फूड के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या प्लांट पर डिपेंड करते उसे कंज्यूमर कहते हैं। जैसे हर्बीवोरस हैं, वो प्लांट्स को ईट करते हैं, देन कार्निवोरस है जो हर्बीवोरस को ईट करते हैं, और देन आप कह सकते हो ओमनीवोरस हैं जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों पर डिपेंड करते हैं, उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, थर्ड आता है बेटा डीकंपोजर्स। देखिए बेटा डीकंपोजर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अर्थ के ऊपर डीकंपोजिशन की प्रोसेस नहीं हो तो पूरी अर्थ जो है ना कचरे से भर जाए, हमें रहने के लिए अलग से प्लॉट लेना पड़े और कचरे को कलेक्ट करने के लिए अलग से एक प्लॉट खरीदना पड़े। क्यों? क्योंकि कचरे का डीकंपोजिशन ही नहीं होता, तो डीकंपोजिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे अर्थ को क्लीनिंग का काम करती है, और डीकंपोजिशन की वजह से ही अर्थ का बायोमास डिक्रीज होता है। डीकंपोजिशन की वजह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बीच एक कॉम्बिनेशन बना रहता है, या मैं कहूं दोनों के बीच एक बैलेंस बना रहता है, तो डीकंपोजर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो ये बात हुई इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट की। उसके बाद आता है बेटा इकोसिस्टम के नॉन लिविंग पार्ट भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, उसके बाद आता है वाटर एंड अदर गैसेस। ये सारी चीज भी पूरे इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखते हैं जहां पर इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है वहां अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इकोसिस्टम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी। आप देखते हैं कोई ट्रॉपिक इकोसिस्टम है, कोई डिजर्ट इकोसिस्टम है, कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम है, कोई टेरिस्टल इकोसिस्टम है, तो हम कह सकते हैं इन सब के अंदर
एबायोटिक फैक्टर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो शॉर्ट में मैं कह सकती हूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद आता है, ये हमने पढ़ा अभी अभी कि एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो हमने देखा एबायोटिक के अंदर आपके टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद आता है बायोटिक। बायोटिक फैक्टर में हमने अभी अभी देखा क्या क्या देखा, वन इज द प्रोड्यूसर। मैंने कहा था आपको ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, एल्गी भी होती है, ये प्रोड्यूसर का काम करते। क्यों? क्योंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन मैंने आपको बता कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए मैंने वर्ड यूज करे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा बेटा डीकम्पोजर्स, कहा कि डीकम्पोजर्स हेल्प द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेथ बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, एक्ट एज द क्लीजिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब वही बात है कि जो भी अर्थ के ऊपर बायोमास है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, उन इन्वायरमेंट को क्लीजिंग एजेंट का काम करते हैं डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स जो होते हैं उनके अंदर जो है मोस्टली कौन आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप सोचो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन आता बेटा, जब हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम पढ़ते हैं, तो इकोसिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक वर्ड आता है ट्रॉपिक लेवल्स, क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म एक लेवल से दूसरे लेवल पर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जो सबसे नीचे आता है उसको हम प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, टर्शरी, और आप कह सकते हैं फोर्थ तक ट्रॉपिक लेवल होते हैं। एक अच्छे इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब के अंदर 3 या 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे मैम ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल जो है पॉसिबल होते हैं एक अच्छी फूड चेन के अंदर, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए बेटा, आप इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। तो देखिए ट्रॉपिक लेवल तो ऐसे बनते हैं, मान लो दिस इज द प्रोड्यूसर, यहां पर कोई प्रोड्यूसर होते हैं जो प्लांट्स हैं जिसको आप उत्पादक बोलते हैं। इस उत्पादक पर डिपेंड होते हैं उपभोक्ता जिसको आप कंज्यूमर्स कह रहे हैं। जो फर्स्ट उपभोक्ता होते हैं, देन इसको ईट करने वाले सेकंड उपभोक्ता होते हैं, और देन टर्शरी। तो आपने देखा ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 और 4। एक अच्छी फूड चेन और फूड वेब में 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी नेग्जिबल होती है। ये बात हम एनर्जी के रूल्स के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। तो इस तरह से बनी जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं बेटा इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और इस तरह जो शेप बनती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो हम कह सकते हैं फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे नीचे क्या है, प्रोड्यूसर है, देन कंज्यूमर है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर है, देन टर्शरी कंज्यूमर। ये सारे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे एक अच्छी फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल है, तो आप कहेंगे 3 या 4 पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो आप धीरे धीरे मेरी क्लास से समझ पाएंगे जब हम बात करेंगे एनर्जी रूल्स के बारे में। अब बात आती है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए बेटा,
आपने कभी प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा कि हमारे इकोसिस्टम जो है एक एनर्जी से बना हुआ है, और पूरे के पूरे इकोसिस्टम में या पूरे यूनिवर्स के अंदर एक एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। ये एनर्जी का ट्रांसफर किस रूल से होता है, उस रूल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स। आप जानते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनोमिक्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, थर्मोडायनोमिक्स के तीन रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे हम डिस्टोर कर सकते हैं, केवल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अगर ऐसा हो जाए कि हम एनर्जी को जितना चाहे क्रिएट करें, जितना चाहे डिस्टर्ब करें, तो हम कई सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर में और अपने पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट जल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो एक एनर्जी है वो लाइट के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आ रही है, और जैसे बल्ब में आती है तो वो लाइट में चेंज हो जाती है। ऐसे वही इलेक्ट्रिक एनर्जी जब फैन में जाती है तो वाइंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनर्जी होती है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। थर्मोडायनोमिक्स का दूसरा रूल से कहता है जब एनर्जी ये कर रही होती है, या मैं कहूँ एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर हो रही होती है, तो एनर्जी की बहुत सारी कंसंट्रेशन लॉस हो जाती है, या मैं कहूं एनर्जी की कुछ अमाउंट लॉस हो जाती है। वो कितनी लॉस होती है बेटा? हर चीज में वो अलग अलग होती है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं थर्मोडायनामिक्स में, तो वो लॉस कम होता है। जैसे यूं माने आप कि हमारे पास 90% जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन में जा रही है। जब फैन में जा रही थी तो वाइंड के अंदर चेंज हो रही है। जब वाइंड में चेंज हो रही तो सारी की सारी एनर्जी वाइंड एनर्जी में चेंज नहीं होती, बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आपके जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लंबे टाइम तक यूज होने के बाद हीटिंग इफेक्ट दे देते, इसलिए हम उसे थोड़ी देर बंद करते हैं। इसका मतलब यही कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर होती है तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्म लॉस हो जाती है। वो लॉस जो है या तो आप कह सकते हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है। अगर मैं लिविंग में बात करूं तो ये लॉस जो है रेस्पिरेशन की फॉर्म में होता है। तो इस तरह से एनर्जी का तो थर्मोडायनामिक्स के दो रूल जो हैं वो इकोसिस्टम में एनर्जी को भी फॉलो करते हैं। आपसे कोई पूछे कि बेटा मीट मांस में ज़्यादा एनर्जी होती है या वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मीट मांस में ज़्यादा एनर्जी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इकोसिस्टम का जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स का वो क्या कहता है बेटा, मीट मांस में कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन होते हैं, कुछ विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन एनर्जी की कंसंट्रेशन वेजिटेरियन में ज्यादा होती है। क्यों होती है? आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप खुद ही इसका आंसर कर पाएंगे कि मैम इसलिए हम कहेंगे कि हमेशा एनर्जी की कंसंट्रेशन वेजिटेरियन में ज्यादा होती है, इसलिए हमें वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाना चाहिए एज कंपेयर टू आप कह सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि उसमें एनर्जी की कंसंट्रेशन लो होती है। कैसे होती है वो हम 10% रूल से समझें। देखिए बेटा, तो इस तरह से हमने कहा कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो फूड चेन में होता है, लेकिन आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ में पूछा जाता है कि एनर्जी का जो फ्लो इकोसिस्टम में होता है वो किस रूल से होता है, तो आप कहेंगे वो रूल से होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या 10% एनर्जी लो, 10% एनर्जी लो। तो इन दो चीजों को फॉलो करते हैं हम कह सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और 10% ऑफ एनर्जी जो है उसके थ्रू पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब बात आती है कि एनर्जी का ट्रांसफर इकोसिस्टम के अंदर थर्मोडायनामिक्स से होता है, तो थर्मोडायनामिक्स के दो रूल्स क्या है मैंने अभी अभी बताया। पहला रूल क्या कहता है बेटा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्टोर्ड कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने अभी अभी देखा मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को वाइंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर दिया, और मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप कह सकते हैं लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो हम बल्ब में यूज करते हैं ट्यूबलाइट्स में यूज करते हैं। तो उसके बाद आता है
थर्मोडाइनोमिक्स का सेकंड लॉ, पहला लॉ तो बिल्कुल ठीक है कि एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी में। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो मैंने आपको कहा था कि ट्रांसफर के समय लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है। क्या हो जाता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। अब बेटा ये लॉस अलग अलग चीजों में अलग अलग होता है, जैसे फिजिक्स में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में लॉस 2 या 4% होता है, जबकि इकोसिस्टम के अंदर ये लॉस जो है सबसे ज्यादा होता है और ये होता है 90%। कितना लॉस होता है बेटा? 90%। अब हम देखते हैं कि इसलिए 90% जो लॉस है तो आगे एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है? ओनली 10%। इसलिए इसे बोला जाता है 10% एनर्जी लॉ इन इकोसिस्टम। अब हम देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार इस चीज को देखते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है सबसे नीचे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। मान लो इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो हम देखेंगे अभी। मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, इस प्लांट ने सनलाइट का यूज करा, ये सन है, दिस इज द सन। इस सन के पास बेटा 100% सोलर एनर्जी होती है, ये सोलर एनर्जी है। ये सोलर एनर्जी जब अर्थ सरफेस पे आती है, आपको पता है किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन की फॉर्म में। उसका 50% तो रिफ्लेक्ट हो जाता है और 50 में से ओनली 2 या 10% प्लांट यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके टाइम यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस के समय। एनसीईआरटी के अंदर ये वैल्यू 2 से 10 दे रखी है, जबकि जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें ये वैल्यू 1 से 5% थी। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं बेटा कि सन के पास 100% सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी का 50% ही हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंच पाता है, क्योंकि 50% तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, या तो आप कह सकते हिली रीजन से टकरा कर या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्शन हो जाता है। उस 50 का कितना परसेंट प्लांट यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर सन के पास 100% एनर्जी है, 50% अर्थ पर रीच हो रही है, उस 50 का कितना परसेंट प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, या मैं कहूं एक प्लांट को खाना बनाने के लिए कितनी सोलर एनर्जी चाहिए? तो आपका आंसर होगा मैम 2 से 10% सोलर एनर्जी चाहिए। और इसी एनर्जी को बेटा PAR बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PAR। कोई मुझे बता सकता है PAR का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, PAR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर दे, उसे PAR बोलते। पी का मतलब फोटोसिंथेटिक, ए का मतलब एक्टिव और आर का मतलब रेडिएशन। तो आपसे पूछे कितनी परसेंट है, तो आप कहेंगे 2 से 10% अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT। लेकिन बेटा कई बार अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उस केस में आप आंसर करेंगे 1 से 5% जो है PAR। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं इन्होंने क्या करा? फोटोसिंथेसिस करा। और मान लो इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके बेटा 1000 जूल एनर्जी बना ली। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा और फोटोसिंथेसिस के समय आपको पता है प्लांट में एनर्जी बनती है, जो एनर्जी बनी उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 1000 जूल थी।
अब मैंने अभी अभी आपको बताया इकोसिस्टम में एनर्जी जो है किस रूल से ट्रांसफर होती है, 10%, क्योंकि 90% तो लॉस हो जाती है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के समय लॉस हो जाती है, अदर फिजिकल एक्टिविटी में लॉस हो जाती है, बचती कितनी है केवल 10% जो अगले ट्रॉपिक लेवल के अंदर पहुंचती है। तो देखो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और 1000 जूल एनर्जी बनाई। अब बेटा ये एनर्जी जो है इसको कौन ईट करेगा, आपको पता है प्राइमरी कंज्यूमर, कौन ईट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो मान लो प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई जिसको आप उत्पादक बोलते हैं, इन्होंने एनर्जी बनाई 1000 जूल, इस एनर्जी को या इस प्लांट को कौन ईट करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स ने इसको ईट किया, मान लो फॉर एग्जांपल इस प्लांट को ईट करा किसने, या तो रैबिट ने या फिर डियर ने, इन्होंने इसको ईट करा। जब ये ईट किया तो इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हुई बेटा 90% एनर्जी तो लॉस हो जाती है इन ए फॉर्म ऑफ हीट, किसकी फॉर्म में, हीट। और हीट का मतलब यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें लॉस हो जाती है। तो आपको पता है प्लांट ने जो 1000 जूल एनर्जी बनाई थी उसमें से रैबिट को, या आप कह सकते हैं टाइगर को, या रैबिट के बाद आप काऊ भी कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड करती है, रैबिट काऊ डियर कोई भी जो है ये सब प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं, इसने ईट करी तो इसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वो हुआ बेटा 100 जूल। कितना जूल, 100 जूल। जब 1000 जूल का 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 जूल। और ये कौन सा ट्रॉपिक लेवल हुआ, सेकंड। उसके बाद आता है अब प्राइमरी कंज्यूमर को किसने, अब मान लो फॉर एग्जांपल रैबिट है या डियर है, इसको मान लो ईट किया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास ये कितनी गई बेटा, 10 जूल। उसके बाद मान लो इसको सबसे लास्ट में ईट करा टर्सरी कंज्यूमर ने, मान लो टाइगर ने इसको ईट किया तो इसमें कितनी गई, 1 जूल। और मान लो ये मीट मांस हमने खाया तो हमारे अंदर कितनी गई, 0.1 जूल। तो मैंने एक बात बोली आपको कि अच्छे ट्रॉपिक लेवल में या फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल हैं, 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों, देखो ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4, इससे ऊपर जब आप खा रहे हैं तो एनर्जी बहुत कम मिल रही है, 0.1 मतलब नेग्जिबल। इसका मतलब हुआ कि वेजिटेरियन में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू आप कह सकते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो इस तरह से आप एनर्जी को काउंट कर सकते हैं। एक बार देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए आपसे कह दे, कई बार तो क्या करता है बेटा इसको एक अलग गलत सीरीज में लिख देता है आपको, मान लो फॉर एग्जांपल यहां तो लिख दे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, यहां लिख दे प्लांट और कह दे ट्रॉपिक लेवल का सही ऑर्डर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, और देन टर्सरी कंज्यूमर आते हैं। तो ये सीक्वेंस है। दूसरे तरीके से क्या पूछ दे, आपसे कह दे कि बेटा जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास 2000 जूल एनर्जी है, तो बताइए सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिलेगी। तो देखिए बेटा आपको पता है प्रोड्यूसर के पास 2000 जूल एनर्जी है, तो इसको कोई ईट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी गई, 200 जूल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी है, तो आपको पता है सेकेंडरी जो ईट करेगा तो इसके पास कितनी जाएगी, 20 जूल। तो हमारा आंसर आएगा 20 जूल। ऐसे वो किसी भी ट्रॉपिक लेवल का आपसे पूछ सकता है एनर्जी की वैल्यू देखकर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो 10% रूल से होता है, और 10% रूल है ना वो थर्मोडायनामिक्स के रूल्स पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे आपने अभी अभी यहां से देखा था, या आप कितना भी ले सकते हैं। मान लो यहां पर मैं कहूं 100 जूल है, इसको ईट किया तो इसके पास कितनी गई बेटा, 10 जूल। इसने इसको ईट किया तो 1 जूल, 0.1 जूल।
तो इस तरह से हमने देखा सबसे नीचे वाले के पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और टॉप कंज्यूमर के पास सबसे कम एनर्जी होती है। यहाँ से कभी कभी कह दे आपको इस तरह एनर्जी की वैल्यू दे दे और कह दे इसका एक सही इंक्रीज ऑर्डर बताइए, एनर्जी का डिक्रीज ऑर्डर बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस तरह से हमारे इको सिस्टम के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको वेजिटेरियन फूड ईट करना है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। देन आता है हमारा बेटा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किससे? फोटोसिंथेसिस से। एक बार हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस है क्या और किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है। देखिए बेटा, आप इस तरह से देख सकते हो, ये एक प्लांट है, मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ। आपसे कोई पूछे कि बताइए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस सेल ऑर्गेनल्स में होती है, तो आप क्या बताएंगे? मैंने क्वेश्चन मेरा ये है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस सेल ऑर्गेनल्स में होती है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है और सेल में बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी स्पेशल स्ट्रक्चर होती है और स्पेशल फंक्शन होते हैं। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वो भी एक सेल ऑर्गेनल है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी सेल ऑर्गेनल है। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी है, वो भी सेल ऑर्गेनल है। मैंने क्या कहा कि सेल ऑर्गेनल्स सेल में प्रेजेंट स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो स्पेशल काम करती हैं। क्यों? देखो, गोल्जी बॉडी अपना काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, तो हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना काम है। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्लांट सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ये मान लो दिस इज द प्लांट, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट की मान लो ये लीफ है, ठीक है। इस लीफ के अंदर बेटा एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। क्या नाम होता है? प्लास्टिड। और इस प्लास्टिड को ही आप हिंदी में बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक। आपसे पूछे कि किस सेल ऑर्गेनल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपका आंसर है मैम प्लास्टिड में होता है। लेकिन आपसे पूछे किस सेल में होता है, तो आपका आंसर है क्लोरोफिल में होता है। देखिए बेटा, प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होता है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, इसलिए हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अब जो ये प्लास्टिड होता है ना, इसके अंदर थ्री टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। देखो, जैसे मान लो दिस इज द सेल, एक सेल तो ये प्रेजेंट है, सेकंड मान लीजिए ये सेल प्रेजेंट, और थर्ड आप कह सकते हैं मान लो कि ये सेल प्रेजेंट। तो प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें थ्री टाइप की सेल प्रेजेंट है। इस सेल को मैं इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ, इसको आप इस कलर से बना सकते हैं। ये भी एक सेल है, तो सेल ए है, सेल बी है और सेल सी है। तीन सब सेल प्रेजेंट है प्लास्टिड के अंदर। इस सेल को हम बोलते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, जिसको आप बोलते हैं लवक। सेकंड जो बी सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड जो हमारी सेल है उसको हम बोलते हैं बेटा क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों सेल ही फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है वो होती है क्लोरोफिल। दिखने में बेटा जो क्लोरोफिल सेल होती है वो ग्रीन कलर की विजिबल होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। दूसरी जो सेल है ल्यूकोप्लास्ट,
ये सेल कलरलेस होती है। इसका क्या काम है कि एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करती है। और एक थर्ड सेल है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। दिस इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है फ्रूट या फ्लोवर को कलर देना। तो आप कह सकते हैं प्लास्टिड में तीन सेल्स होती हैं। तीनों सेलों का अपना अपना फंक्शन होता है। सबसे सेंटर वाली सेल का नाम क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होती है और उस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। ये पिगमेंट क्या करती बेटा, जैसे मान लो सन से लाइट आ रही है, इस सन लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम क्लोरोफिल करता है। इसलिए सनलाइट इसके अंदर आकर एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे सनलाइट एब्जॉर्ब होती है तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाने के बाद कुछ रॉ मटेरियल और भी जरूरत होती है। क्या क्या रॉ मटेरियल? सनलाइट से हमें क्या मिला बेटा? सनलाइट तो एब्जॉर्ब कर ली क्लोरोफिल में, उसके बाद हमें क्या चाहिए? CO2 H2O चाहिए। ये कहाँ से आएगा भाई? देखिए बेटा, ये प्लांट है, इस प्लांट के ये रूट्स होती हैं। हमारे प्लांट्स के अंदर दो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है जाइलम टिश्यू और एक का नाम है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू यूनी डायरेक्शनल होता है और फ्लोएम टिश्यू मल्टी डायरेक्शन होता है। कभी हम जाइलम फ्लोएम या प्लांट फिजियोलॉजी में से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझें कि सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल तक पहुंचाने का काम जो करता है उस टिश्यू को जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जाइलम बोलते हैं। इसको हिंदी में भी जाइलम बोलते हैं और इंग्लिश में भी। तो सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल तक पहुंचाने का काम जो करता है उसे हम जाइलम टिश्यू बोलते हैं। तो आपने देखा क्लोरोफिल में सनलाइट तो पहले से पहुंच गई और साथ में क्या क्या पहुंचा है? CO2 प्लस H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और इस तरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और साथ में O2 बनता है। दिस इज द फोटोसिंथेसिस। इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड की जो मेन सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो ये वाली सेल है। इस सेल में फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज बनता है और साथ में O2 बनती है। O2 जो होती है वो बाहर निकल जाती है स्टोमेटा के थ्रू। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का हाई कंसंट्रेशन से लो में जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे यूं माने प्लांट के पास बिल्कुल भी CO2 नहीं थी, अंदर CO2 की डेफिशिएंसी थी और इन्वायरमेंट में हमने बहुत सारे CO2 को छोड़ा था तो इन्वायरमेंट में ज्यादा थी, तो अधिक कंसंट्रेशन से किस में चली गई? कम में CO2। तो जिस प्रोसेस से जाती है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं और जिसके थ्रू जाती है उसे स्टोमेटा कहते हैं, जिसे हम हिंदी में रंध्र भी बोलते हैं। जब आप लीप को देखेंगे, कभी हम प्रैक्टिकल्स की सेशन में करेंगे, जब आप लीप को देखते हैं तो लीप की जो सरफेस होती है ना, ऐसे ऊपर सरफेस, उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा स्पेशल सेल से मिलकर बने हैं जिसे गार्ड सेल बनते हैं। इस वजह से जो है इसके अंदर क्या जाती है? गैसें अंदर जाती है। इसके थ्रू अंदर भी जा सकती, बाहर भी आ सकती, एक्सचेंज होता है गैसों का। तो CO2 अंदर चली गई, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो अंदर किसका प्रोडक्शन हुआ? O2 का। और O2 का प्रोडक्शन हुआ तो अंदर तो O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी लेकिन इन्वायरमेंट में O2 खत्म हो गई क्योंकि हमने यूज कर लिया ब्रीथिंग के समय। तो इसलिए O2 जो होती है उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो जाती है और बाहर कम। और आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो में आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो स्टोमेटा के थ्रू तो O2 बाहर आ जाती है और फूड की जो फॉर्मेशन है वो किसके अंदर हो जाती है?
क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो जाती है। अब ये फूड बन गया, बनने के बाद एक दूसरा टिश्यू आता बेटा, और जिस टिश्यू का नाम होता है फिलोइम टिश्यू। क्या नाम है? फिलोइम टिश्यू। ये टिश्यू मल्टी डायरेक्शन होता है, यहाँ से फूड को लेता है और प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स में उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो वाटर और मिनरल्स को तो ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम टिश्यू करता है, और बनने वाले फूड को प्लांट के ऑल बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने का काम फ्लोइम करता है। इसलिए जाइलम यूनिक डायरेक्शन होता है। देखिए, वाटर मिनरल केवल नीचे से ऊपर ही तो जा रहा है, जब एक ही डायरेक्शन में कोई काम होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिक डायरेक्शन, और जब बोथ डायरेक्शन में कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं हम मल्टी डायरेक्शनल। तो फ्लोइम तो हमेशा मल्टी डायरेक्शन होता है और जाइलम हमेशा यूनिक डायरेक्शन होता है। इस तरह से फूड बनता है। तो इस तरह से प्लांट में फूड की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद क्या हुआ बेटा? इस तरह से प्लांट में फूड बन गया। अब फूड बनने के बाद ये वाला जो टिश्यू है इसका क्या नाम है बता सकते हैं? अभी बताया था मैंने क्या नाम है बेटा इस टिश्यू का या इस सेल का, क्या नाम है? इस सेल का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। अब बेटा मान लीजिए कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और करके मान लो उसने 200 जो है ग्राम फूड की प्रिपेयर की, या इतना ग्राम उसने ग्लूकोज बनाया, लेकिन प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए केवल मान लो कि 150 ग्राम ग्लूकोज चाहिए। अब एक्स्ट्रा जो 50 ग्राम ग्लूकोज है वो क्या होता है, वो आएगा इस ल्यूकोप्लास्ट के पास आएगा और कहेगा भाई हबी है ना, मेरी ज़रूरत नहीं है मेरी बॉडी को, या मैं कहूँ प्लांट को मेरी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे स्टोर कर लो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाऊँगा। तो जो इस आप कह सकते ग्लूकोज है ये ल्यूकोप्लास्ट में जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट में जाकर बेटा स्टार्च की फॉर्म में जमा हो जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट में जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। जबकि फूड बनता किस फॉर्म में है, याद रखना, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो फूड की फॉर्मेशन तो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है क्लोरोप्लास्ट में, जबकि एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है प्लांट में ल्यूकोप्लास्ट में, और स्टार्च जब स्टोर होता है तो वो कलरलेस विजिबल होता है, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट भी कलरलेस होते हैं, या मैं कहूँ अवर्णीय होते हैं, जिनके कोई कलर नहीं होते। उसके बाद बेटा प्लांट में एक जो आप कह सकते हैं प्लास्टिड में एक सेल और बनाई थी हमने, उस सेल का क्या नाम था? उस सेल का नाम था बेटा क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम था? क्रोमोप्लास्ट। देखो नाम से पता चल रहा है क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। धीरे धीरे प्लांट जो है एनर्जी को ले रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहा है। अब प्लांट्स के अंदर फूल और आप कह सकते हैं फ्रूट आने लग जाते हैं। तो फ्लोर और फ्रूट जो है शुरू में स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि आपसे कहे ग्रीन चिली और ग्रीन टमेटो रेड हो जाते हैं, क्यों? तो आप कहेंगे ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, धीरे धीरे वो क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, इसलिए फ्रूट और फ्लोर के जो कलर हैं वो किसके कारण आते हैं? तो आप आंसर कहेंगे ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लोर और फ्रूट है उसके अंदर कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्लांट की एक डबल सेल ऑर्गनल है, डबल सेल मेम्ब्रेन का बना जिसका नाम प्लास्टिड है, उसमें 3 सब सेल है। एक सेल का नाम बेटा ल्यूकोप्लास्ट है, जो क्या करती है एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करती है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। दूसरी सेल का क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करती है फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रिपेयर करती है ग्लूकोज की फॉर्म में। और थर्ड सेल का नाम है क्रोमोप्लास्ट, जो क्या करती है फ्रूट और फ्लोवर को कलर देने का काम करती है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन करते हैं बेटा? प्रोड्यूसर करते हैं, और प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करके पूरे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो ये जनरल बात हुई प्रोड्यूसर के बारे में। और आपको पता है प्रोड्यूसर इकोसिस्टम का कैसा पार्ट है? लिविंग पार्ट है। उसके बाद आते हैं बेटा दूसरे पार्ट की तरफ, और जो इकोसिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? आपने पढ़ा था इकोसिस्टम का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स। किसको पढ़ते हैं बेटा? कंज्यूमर्स को।
अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, प्रोड्यूसर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि कंज्यूमर जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए फूड के लिए वो या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम भी तो एक कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। खुद प्रिपेयर का मतलब ये नहीं है आप कहेंगे मैम हम तो खुद ही खाना बनाते हैं। भाई खाना तो हम खुद बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खाने का जो रॉ मटेरियल होता है वो हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? या तो आप प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे मिल्क चाहिए तो हम एनिमल से लेते हैं, आपको फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, तो आप किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। तो हम कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि फूड के लिए किसी प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और इसको हिंदी में मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कि जो कंज्यूमर होते हैं इनकी भी अलग अलग वैरायटी होती है। जो सबसे प्राइमरी प्लांट पर डिपेंड करते हैं उनको हार्वीवोरस कहते हैं, या मैं यूं कहूं जो डायरेक्ट फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं, जो डायरेक्ट फूड को ईट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्वीवोरस। जैसे फॉर एग्जाम्पल काऊ, आपका डियर, रैबिट्स, आपका कह सकते हैं रैट्स, ये सब किसके इंसेक्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? हार्वीवोरस के। आप इधर देख सकते हैं स्लाइड में, दिस इज द हार्वीवोरस। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है जो प्लांट्स को ईट करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? हार्वीवोरस का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड बेटा कार्निवोरस। मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म जो है फूड के लिए हार्वीवोरस पर डिपेंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। दिस इज द कार्निवोरस, इसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। और थर्ड आप कह सकते हैं ओमनीवोरस, जो हार्वीवोरस और कार्निवोरस दोनों को ईट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? प्लांट्स को भी ईट करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एनिमल्स को भी ईट करते हैं, तो हम किस में आते हैं? ओमनीवोरस में। कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जाता है कि कौन से जो है हार्वीवोरस है, कौन से ओमनीवोरस और कौन से आप कह सकते हैं कार्निवोरस है, तो आपको इनके एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये किसका पार्ट है? इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट है, जिसको हम क्या कह रहे थे? कंज्यूमर कह रहे थे। और इन कंज्यूमर को हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड ईटिंग, की फूड जो है कैसे ईट करते हैं उसके बिहाफ के ऊपर। तो ये बात हुई सेकंड पार्ट। सबसे लास्ट में आते हैं बेटा हम थर्ड पार्ट, जो सबसे मेन है, और उस पार्ट का नाम है डीकम्पोजर्स। मैंने आपको कहा था कि डीकम्पोजर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अर्थ के ऊपर डीकम्पोजर नहीं हो तो पूरी अर्थ जो है ना वो वेस्टेज से भर जाए, कचरे से भर जाए, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। ना तो चीज़ों की रिसाइकिलिंग हो, ना हम उसका रिसाइकिलिंग कर पाए, ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों में एक बैलेंस बना रहे, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है, हम एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? डीकंपोजर्स। देखिए क्या होते हैं डीकंपोजर्स, देखिए दी नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा अर्थ सरफेस पे, अर्थ के नीचे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, आप कह सकते हैं अर्थवर्म, ये सब क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय द केमिकल और फिजिकल मेथड, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। क्यों? ताकि ईजिली से डिकम्पोज हो जाए। आप यूं बताएं, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर में कोई वेस्टेज बड़ा सा है, तो आप क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट के जमीन के नीचे डिपॉजिट कर देते। क्यों? ताकि जल्दी से उनमें डिकम्पोजिशन हो जाए या उसका ब्रेकडाउन हो जाए। तो सेम ऐसा ही काम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेथ एंड डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है कोई भी प्लांट से एनिमल है उसका जो डेथ पार्ट होता है जिसको हम डिटेरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटेरियस। हिंदी में बोलते हैं अपरद। अपरद का मतलब है किसी प्लांट से कोई पार्ट टूट के नीचे गिर गया, कोई फ्रूट नीचे गिर गया, या किसी एनिमल का कोई वेस्टेज नीचे गिर गया, तो धीरे धीरे उनमें ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो प्लांट और एनिमल के वेस्टेज पार्ट को या प्लांट और एनिमल से डिटेस्ट होने वाले पार्ट को डिटेरियस बोलते हैं। उसी डिटेरियस का ब्रेक डाउन जो है डीकम्पोज
कंपोजिशन के थ्रू होता है। लेकिन बेटा ये इतना इजी नहीं होता, इसके लिए स्पेशल एक मैकेनिज्म काम करता है। तो डीकंपोजिशन का मतलब आप कह सकते हैं प्लांट और एनिमल के डेथ पार्ट को या प्लांट एनिमल के वेस्टेज पार्ट को सिंपल ऑर्गेनिक कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाना बाय हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डीकंपोजिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। और ये प्रोसेस होती किसके थ्रू है, डीकंपोजर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डीकंपोजर्स होते हैं जो डीकंपोजिशन की प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आता है बेटा इसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से ये होती है। तो देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट का पार्ट था या प्लांट का मान लो कोई फ्रूट है, ये टूटकर नीचे गिरा। नीचे गिरने के कुछ टाइम बाद ये फ्रूट जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है ऐसे। तो आप कह सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना ही फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। आप वैसे ही समझ सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंड पार्ट्स। तो कोई बड़े चीज का तो ब्रेक डाउन ऑफ द डिटेरियस इनटू द सिंपल पार्टिकल। वही बात है कि किसी भी डिटेरियस, डिटेरियस वर्ड को मैंने अभी अभी आपको बताया, डिटेरियस का मतलब क्या होता है बेटा, वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल के कोई भी वेस्टेज को हम डिटेरियस बोलते हैं। कभी कभी पूछ ले व्हाट डू यू मीन डिटेरियस, तो आप कहेंगे डिटेरियस एक वेस्टेज होता है, वो प्लांट का भी हो सकता है और मे बी एनिमल्स का भी हो सकता है। तो डिटेरियस का सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाना है, सिंपल पार्टिकल्स में टूट जाना ही क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, इसको मैं कह सकती हूँ फ्रेगमेंटेशन। अब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद आपको पता है कि जब किसी चीज का फ्रेगमेंटेशन होता है तो उसमें कुछ वाटर सोल्यूबल पार्ट भी होता है और कुछ नॉन वाटर सोल्यूबल पार्ट भी होता है। तो जो वाटर सोल्यूबल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो रिसकर नीचे आ जाता है और उस रिसकर नीचे आने को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मटीरियल या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन गोज इन टू सोइल, सोइल के अंदर चला जाना ही क्या होता है, लीचिंग। अब लीचिंग हो चुकी है, कुछ पार्ट तो आप कह सकते हैं सोइल के नीचे चला गया किसके थ्रू, बाय लीचिंग के थ्रू, और कुछ पार्टिकल सोइल के ऊपर रह गए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल चीज में टूटती है, उसके बाद उसमें लीचिंग होती है, लीचिंग के बाद एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म दो तरीके से हो सकता है, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है तो उसे ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं, और अगर सरफेस से नीचे हो रहा है तो उसे मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो डीकंपोजिशन के कारण ही आपको पता है माइल्स बनते हैं, और डीकंपोजिशन के कारण ही सोइल की अपर लेयर पर ह्यूमस बनता है, और उस ह्यूमस के कारण ही हमारी सोइल फर्टाइल बनती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं डीकंपोजिशन की प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं हम। तो सबसे पहले स्टेप में हमने देखा बेटा कि सबसे पहले कोई भी प्लांट और एनिमल का डिटेरियस पार्ट टूटकर नीचे गिरता है, उसके बाद उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। जैसे बड़ा सा कोई पार्ट था, ये छोटे छोटे दो पार्टिकल्स में टूट गया, उसको हमने कहा फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल्स के अंदर जो लिक्विड पार्ट था वो नीचे रिसकर आ गया, जिसको हमने कहा लीचिंग। और उसके बाद जो है जो बचा हुआ पार्ट था वो दो के अंदर क्लासिफाई हो जाता है, एक को हम बोलते हैं बेटा ह्यूमिफिकेशन और दूसरे को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। अब ह्यूमिफिकेशन क्या होता है और मिनरलाइजेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर इज कॉल्ड ह्यूमस। मतलब आपकी सोइल की अपर सरफेस पर इस तरह का पार्टिकल्स बन जाता है जिसको ह्यूमस कहते हैं। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, आप कभी अपने घरों में जो भी एनिमल्स हैं उनके वेस्टेज को हम खेत में डालते हैं, खेत में डालने के बाद जब आपको कुछ टाइम उसको आप डिकम्पोज कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस में। फिर हम उसको पूरे खेत के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्यों, ताकि सोइल के अंदर फर्टाइल हो जाए। ह्यूमस में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती, क्या क्या होती है, इसको मैं वैसे लैंग्वेज में खाद कह सकती हूँ या मैं मैन्योर कह सकती हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, ये डिजीज रेजिस्टेंस होता है।
अगर आप किसी खेत में इसको डालेंगे तो उस खेत में जो प्लांट्स है या जो क्रॉप हमने बोई है उसमें डिजीज कम होंगे, क्योंकि ह्यूमस में कैपेसिटी होती है वो डिजीज को रेजिस्टेंस कर सकता है, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो इसकी वजह से हमारी सोयल का प्रोडक्शन भी ज़्यादा, सोयल के अंदर जो है क्रॉप का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो ये काम होता है हमारे ह्यूमस का। तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आपकी सोयल को फर्टाइल बनाने के लिए ह्यूमस काम करता है, और ये सोयल की अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इस तरह से आपको विजिबल होता है। आप कहीं खेतों में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाके देखना, और जाना चाहिए, देखना चाहिए हमें, और इस तरह से लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि किस तरह से ह्यूमस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो ह्यूमस होता है धीरे धीरे नीचे चला जाता है, और डिग्रेशन होने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ह्यूमस का क्या कर देते हैं, डिग्रेशन कर देते हैं, और ये ह्यूमस जो है छोटे छोटे माइल्स में बदल जाता है, इसका मिनरलाइजेशन हो जाता है, माइल्स बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जमीन के नीचे ही माइल्स प्रेजेंट होती, खाने जैसे कि सिल्वर की खान, लोहे की खान, सिलिकॉन की खान, ये सारी किस प्रोसेस से बनती, डीकम्पोजिशन से, और डीकम्पोजिशन के किस स्टेप से बनती हैं, तो मिनरलाइजेशन से। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले जो है किस तरह से प्लांट से कोई वेस्टेज नीचे गिरता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, देन कैटाबोलिज्म के थ्रू जो है लीचिंग होती है, और उसके बाद ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनता है जो सोयल को फर्टाइल बनाता है, और हमारे सोयल के नीचे या मैं कहूँ जमीन के नीचे माइल्स की फॉर्मेशन होती है, उसी को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, देखो ये हमारी सोयल को फर्टाइल भी बना रहा है, हमारे वेस्टेज को भी कम कर रहा है, और हमारी आप कह सकते हैं सोयल के नीचे माइल्स भी बना रहा है, जो हमें इकोनॉमिकली भी क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डीकम्पोजर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इस एग्जाम्पल से आप इस पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये एक प्लांट है, दिस इज द प्लांट। इस प्लांट का वेस्टेज जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लीफ नीचे गिरी, जैसे ग्रीन कलर की लीफ गिरती है तो सबसे पहले इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन। कौन सी प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन। और ये लीफ जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, देखो इस तरह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, इसी को हमने कहा फ्रेगमेंटेशन। और आपने कहा था कि प्लांट और एनिमल के डिटेरियस का सिंपल में ब्रेकडाउन हो जाना ही फ्रेगमेंटेशन। यहां तक एक स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद क्या हुआ, लीचिंग हुई, और लीचिंग से क्या हुआ, जो चीज वाटर सोल्यूबल थी वो तो क्या हुआ, रिस कर नीचे आ गई, और जो वाटर सोल्यूबल नहीं थी वो आप कह सकते हैं उसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, इस तरह से उसने ह्यूमस की फॉर्मेशन कर दी। उसके बाद जो लीचिंग हुआ था या ह्यूमस हुआ था, उस ह्यूमस का फर्दर क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, और इस तरह से यहाँ केमिकल के अंदर भी डीकम्पोजिशन होता है, और ये दोनों प्रोसेस किसके थ्रू होती है, कैटाबोलिज्म के थ्रू होती है। तो ह्यूमस का जो बनना है इसको तो हमने कहा है ह्यूमिफिकेशन, और माइल्स का जो बनना है इसको हमने क्या कहा है, मिनरलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से कोई प्लांट ग्रो करता है और जमीन से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और दोबारा से बार बार प्रोसेस होती रहती है। पूरे इकोसिस्टम में डीकम्पोजर क्या करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। देखिए जैसे आपने ऐसे देखा था, ये प्लांट का कोई वेस्टेज है, एनिमल का भी हो सकता है, तो इस टाइम हम प्लांट का रहे हैं, वेस्टेज है ये प्लांट का, इस वेस्टेज में क्या हुआ बेटा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से पता चल रहा है, ये वेस्टेज मान लो इतना बड़ा वेस्टेज था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। जब ये पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन हुआ तो इसके अंदर जो लिक्विड चीज थी वो तो रिस्कर नेचर आ गई, उसको हमने क्या कहा, लीचिंग। और जो सॉलिड था वो दो में डिवाइड हो गया, एक के अंदर तो जो अपर सरफेस पर रहा उसको तो हमने क्या बोला बेटा, ह्यूमस। और कुछ जो है इसमें दोबारा से डिग्रेशन हुआ और कुछ क्या बना दिया, कुछ ने मिनरल्स। तो मिनरल्स जो बने उसको तो हमने कहा मिनरलाइजेशन, और जिससे ह्यूमस बना उसको हमने कहा ह्यूमिफिकेशन। ये ह्यूमस हमारी सोयल को फर्टाइल बनाता है,
क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और मिनरलाइजेशन हमारी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, और यही मिनरल्स जो है प्लांट की रूट एब्जॉर्ब करती हैं जब वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस, या मैं कहूँ प्लांट ग्रोथ और डेवलप करता है अपने आप को। तो इस तरह से डिकम्पोजर्स जो हैं वो इको सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने देखा कि इको सिस्टम का जो लिविंग पार्ट है उसमें तीन मेन चीज आती हैं। क्या क्या मेन चीज आती हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, और उसके बाद डिकम्पोजर। तीनों हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। उसके बाद आती है कि डिकम्पोजर्स जो हैं इतना इम्पोर्टेंट तो क्या क्या काम करते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं डिकम्पोजर पूरे इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं। डिकम्पोजर्स की वजह से या डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के कारण ही हमारे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, या मैं कहूँ लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में एक बैलेंस बना रहता है। डिकम्पोजर्स की वजह से आप कह सकते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर अर्थ का बायोमास मेंटेन रहता, नहीं तो हमारी पूरी अर्थ जो है उसके अंदर जो वेस्टेज का बायोमास इतना होता कि हमारी अर्थ जो है कचरे से दब जाती। और तीसरी बात कि डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो पूरे इकोसिस्टम को प्योरिफिकेशन या क्लीनिंग का काम करती है, जिसके लिए हमें प्योर ऑक्सीजन या इनऑर्गेनिक चीजें सप्लाई होती रहती हैं। तो ये हमने देखा कि इकोसिस्टम हमारे लिए कितना यूजफुल है, इसलिए हमें हमेशा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल देना चाहिए। कंटिन्यू जुड़ते हैं हमारे नए सेशन में इकोसिस्टम का सेकेंड पार्ट लेकर। थैंक यू।